आगे मैदान में आ जाएगा। अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो आप तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए कर दिया है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान सब देख रहा है, हम आपसे झूठ बोल लेंगे, इनसे झूठ बोल लेंगे, वहाँ कोई झूठ नहीं, वहाँ सब लिखा जा रहा है। और एक बात बताना चाहते हैं, जो स्थिति है, मैं वचन दे रहा हूँ बहुत से कि अगर एक साल के अंदर मैंने काम नहीं करा पाए, नहर है, जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल है, रोडें हैं, और लोग बोल रहे हैं कि राहतगढ़ जाना पड़ेगा, किसी को राहतगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, सुर्खी का सुर्खी में ऑफिस बन रहा है, बिलेरा का बिलेरा में बन रहा है, जैसी नगर बन रहा है, सब विभाग के लोग वहाँ आएंगे, मौका पड़ेगा तो एसपी कलेक्टर भी वहाँ आएंगे। कभी कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारी भगवान की कृपा होती है, हम सेवा करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक साल के अंदर इतनी तो सुविधा दे देंगे कि लोग कहेंगे कि हमारे बेटा ने कुछ काम किया, और नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। पब्लिक लाइफ से आज सुर्खी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा जी से चर्चा करते हैं, क्योंकि आज जो प्रचार की लहर में है, और उनसे आज हमने बीच में मुलाकात करने का निर्णय लिया। आइए हम नीरज शर्मा जी से ये पूछते हैं कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो क्षेत्र का मुद्दा है, पहली बार कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी 75 साल में सुर्खी के, बलहरा के, जयसिंहनगर के, सिहोरा के, राहतगढ़ के बेटा के लिए टिकट दिया है। ये चुनाव नीरज शर्मा नहीं लड़ रहे, सुर्खी से लेकर राहतगढ़ की माता बहनें, बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, समस्त लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जैसे मैंने पूछा कि आप विकास के किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे किन मुद्दे पर नहीं, विकास हुआ ही नहीं है। आप यहाँ थोड़े आगे निकल जाए, कहीं जो रोड है ही नहीं है, लोग बोल रहे 15,000 करोड़ के काम किए हैं हमने। आप यहाँ जाएंगे तो देश आज़ाद के पहले स्थिति ठीक थी, यहाँ पर रोड है नहीं है, मकान है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, लाइट की व्यवस्था है नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है नहीं है, मतलब 50-52 गाँव हैं यहाँ। घाना चले जाएँ, हीरापुर चले जाएँ, यहाँ रात में कम से 10 गाँव में हम डूब गए, बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ रिश्तेदारी कैसी होती होगी, शादी है, मतलब इतनी तकलीफ हुई कि जो प्रदेश का 2 विभाग का मंत्री हो वो बड़े ठोक के बात कर रहा हो कि उन्होंने 15,000 करोड़ के काम किए हैं। जरा आप खुद मीडिया वाले आप खुद चक्कर लगा लें, अगर इन गांव वालों से पूछें आप विकास क्या हुआ, विकास मंत्री का हुआ, विकास मंत्री के परिवार का हुआ, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल नहीं, उसके बाद आप स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं, रोड सड़क है ही नहीं है। अगर नहा के आदमी निकले हो, कोई गाड़ी निकल जाए तो अभी पड़ जाए, अभी हम लोग यही यहीं से आ रहे हैं, घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग आ कहाँ गए। ये मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है, आप तो खुद देखें, हम नहीं बोलेंगे। कई जगह के वीडियो बनाए हमने, कई जगह के वीडियो बनाया, पानी भरा अभी गाड़ी उसमें से निकल रही, नाले में से निकल रही, उतरना पड़ता है गाड़ी जब निकलती है। ये तो देश अंग्रेज अच्छे देश से अच्छा। तो जैसे सर उनकी नल जल योजना है, लाडली बहना है, और आवासीय योजना है, तो ये आपके क्षेत्र में उन्होंने कहाँ तक दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? आवास योजना इन लोगों ने मौत चीन चीन के दी है। आवास योजना गरीबों को नहीं मिली, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। आप यहाँ पूरा क्षेत्र बेल्ट है जो बहुत पिछड़ा बेल्ट है, इसके बाद नल जल योजना है वो भी व्यवस्था है ही नहीं, रोडों खुद के डले हैं, बुजुर्ग लोग रात में गिर जाते हैं, आज डले हैं, व्यवस्था वही ही नहीं अभी, मतलब 20-25% नल जल योजना अभी मुश्किल से हुई, व्यवस्था ही नहीं है, पाइप डल डल खेत अभी यहाँ इस गाँव में जाना है, महिलाएं कितना ऊँचा घाट है, हम पैदल जा रहे भैया आप तो खाली जा रहे हैं, महिला दो दो खेप लेके पानी आते, यहीं जाना 2 किलोमीटर चली जाना आप, निवेदन है 1 किलोमीटर चली, आपको मालूम पड़ जाएगा सुर्खी का विकास कितना होता है, बड़ी तकलीफ आपको तकलीफ होगी। कागजों पर सब हुआ है, कागजों पर तो सब कुछ हो गया, आपके टीवी चैनल पर दिखाएंगे, 10-20 लोग सेटिंग वाले हैं वो बोलेंगे कि ना मंत्री तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, विकास पुरुष है। तो मतलब आपका कहना है कि भाजपा सरकार ने किताबों में अपना विकास किया है। सर आपसे ये कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है?
तो आरोप लगाना अलग बात है, आरोप को सिद्ध करना, हम कहें हमने आपने भ्रष्टाचार किया, इस मौसम तो कुछ भी बोल सकते, कागज को होना चाहिए, उनके पास कुछ मुद्दे है ही नहीं है। हम बोलते रहे 10-20 लोग सेट किए हैं, पैसा का खेल चल रहा है, पैसे की दम पर मंत्री चुनाव लड़ रहा है और कुछ नहीं बचा हुआ। वो जहाँ भगवान जिसके साथ हो, जिसके साथ गरीब हो, जिसके साथ किसान हो, जिसके साथ बेरोजगार हो, एक रोजगार बता दे, 350 गाँव में 100 लोगों को उद्योग लगाया हो, लोग 20,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, एक सरकारी नौकरी बता दें आप, दो विभाग के मंत्री थे आप खुद देखें ना हम कितने सही है कितने गलत है। कहने से मौत से कुछ भी बोल सकते, हम भी बोल सकते हैं, हम बोले 70,000 से जीत रहा था, हम तो बोल देंगे हम तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या बन जाएंगे हम, ये तो जनता को फैसला करना है और वहाँ राम जी को फैसला करना। नीरज शर्मा जी का ये बयान है कि अगर वो विकास नहीं कर पाए तो वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर जैसे सरकार नहीं आती है और जनता उनको चुनाव करके विधायक बना देती है तो वो कितना विकास कर पाएंगे? जनता की ताकत के सामने, भगवान के बाद जनता की ताकत है नेता के लिए, और जनता हमारी लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए, काम तो कोई भी, पहली बात तो सरकार बनना ही है, हनुमान जी महाराज जी कृपा है, कहीं से कहीं तक रुकने वाली नहीं है, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, किसानों की सरकार बन रही है, गरीबों की सरकार बन रही है, ये तो आप भूल जाए, बिल्कुल मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ सुर्खी का सेवक और कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये नहीं बोलेंगे 71 से जीत रहा कि 72 से, ये वो जाने। इनका आत्मविश्वास बहुत तगड़ा है क्योंकि इनको लोगों का साथ है। आई हम करते हैं बात यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी से कि उनका क्या मानना है कि उनकी कांग्रेस पार्टी ने नीरज शर्मा जी को चुना है, क्या वो इस चीज़ से खुश हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको इस चीज़ की खुशी है? कमलनाथ जी ने हम लोगों से कहा कि नीरज शर्मा जी आ रहे हैं आपके बीच में, तो आदमी का एक हाथ होता है, हमारे लिए एक हाथ और नीरज शर्मा के रूप में मिला तो हमारी ताकत बढ़ी, और गोविंद सिंह के साथ काम करने का हमारे पास 35 साल का अनुभव था, वो अनुभव हम नीरज भाई को दे रहे हैं और गारंटी हमारी है, आज लिख लो आज स्टाम्प पे नीरज भाई विधायक बन रहे। गोविंद जी कांग्रेस में रहे हैं ये मानना है आपका कि आपका दोहरा अनुभव है और आज वो नीरज जी को फायदा करेगा और आगे भी आके कहते कि अगर नीरज जी विधायक बन के आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नीरज भाई विधायक तो बनेंगे ही, और कमलनाथ जी ने इस विधानसभा को गोद लिया है, मुझसे स्पेशली कहा था कि पहला दवाई नीरज भाई को जिताओ, विधायक बना के दो, और विकास जो अभी तक नहीं हुआ है, 5 साल विकास के लिए चुना था गोविंद राजपूत जी को, वो दल बदल करके अपन लोगों को छोड़ के चले गए, 3 साल तक वो हमारे बीच में मंत्री के रूप में, दो दो विभाग के मंत्री हो, कोई विकास का कोई काम नहीं हुआ। विकास देखना है आपको तो यहाँ से कला कोठी जा के देखिए उनका क्या विकास हुआ है, जो सामने रोड डला है उसका पैसा कहाँ से निकला है, उनने अपने उसके सामने रोड डाल लिया, उनका विकास देखना तो जेरई गांव में देखिए, यहाँ गांव-गांव में कोई विकास नहीं हुआ, विकास देखना है तो कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और हमारे नीरज भाई विधायक बनेंगे, विकास करके हम जनता के बीच में जाएंगे और कमलनाथ जी से लड़के पैसा लाएंगे और सुर्खी विधानसभा में फैक्ट्रियां भी लगवाएंगे और विकास भी करवाएंगे, दावा पहला। बहुत बढ़िया, यहाँ दावे और वादे की सरकार बनने जा रही है, आज हम नीरज जी से ये कहेंगे कि आप अपनी जनता को क्या कहना चाहिए कि उद्देश्य बना के उनके लिए क्या आश्वासन देंगे? आश्वासन बेटा है हम सुर्खी के बलेरा के राम, आश्वासन नहीं देंगे, प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आश्वासन तो सागर के लोग देते हैं, हम नेता नहीं हैं, बेटा हैं, और बेटा जो कर सकता है वो अपने परिवार को करेगा, सुर्खी मेरा परिवार है, मुझे कुछ भी करना पड़े कहीं तक जाना पड़े तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये इनका कहना है कि नेता नहीं बेटा है, आज दिख रहा है इनमें जज्बा कि ये अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मैं निधि जैन पब्लिक लाइव से धन्यवाद, आगे मैदान में आ जाएगा, अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए कर दिया है कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, भगवान सब देख रहा है, हम आपसे झूठ बोल लेंगे, इनसे झूठ बोल लेंगे, वहाँ कोई झूठ नहीं, वहाँ सब लिखा जा रहा है, और एक बात बताना चाहते हैं, जो स्थिति है मैं वचन दे रहा हूँ बहुत से कि अगर 1 साल के अंदर मैंने काम नहीं करा पाए, नहर है जैसे, हाई सेकेंडरी स्कूल है, रोडें हैं,
और लोग बोल रहे हैं कि राहतगढ़ जाना पड़ेगा, किसी को राहतगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। सुर्खी का सुर्खी में ऑफिस बन रहा है, बलेरा का बलेरा में बन रहा है, जैसी नगर बन रहा है, सब विभाग के लोग वहाँ आएंगे। मौका पड़ेगा तो SP कलेक्टर भी वहाँ आएंगे। क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो हमारी भगवान की कृपा होती है हम सेवा करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, एक साल के अंदर इतनी तो सुविधा दे देंगे कि लोग कहेंगे कि हमारे बेटा ने कुछ काम किया, और नहीं कर पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। पब्लिक लाइफ से आज सुर्खी, विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा जी से चर्चा करते हैं। चूँकि आज जो प्रचार की लहर में है, और उनसे आज हमने बीच में मुलाकात करने का निर्णय लिया। आइए हम नीरज शर्मा जी से ये पूछते हैं कि ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्षेत्र का मुद्दा है। पहली बार कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी 75 साल सुर्खी के, बलेरा के, जयसिंहनगर के, सीहोरा के, राहतगढ़ के बेटा के लिए टिकट दिया है। ये चुनाव नीरज शर्मा नहीं लड़ रहे हैं, सुर्खी से लेकर राहतगढ़ की माता बहनें, बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, समस्त लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जैसे मैंने पूछा कि आप विकास के किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे किन मुद्दे पर नहीं, विकास वही नहीं है। आप यहाँ थोड़े आगे निकल जाएं, कहीं जगह रोड है ही नहीं है। लोग बोल रहे 15,000 करोड़ के काम किए हैं हमने। आप यहाँ जाएंगे तो देश आज़ाद के पहले स्थिति ठीक थी। यहाँ पर रोड है नहीं है, मकान है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है, लाइट की व्यवस्था है नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है नहीं है। मतलब 50-52 गाँव हैं। यहाँ घाना चले जाएँ, हीरापुर चले जाएँ, यहाँ रात में कम से 10 गाँव में हम लोग रहे, बड़ी तकलीफ हुई। वहाँ रिश्तेदारी कैसी होती होगी, शादी है यहाँ, मतलब इतनी तकलीफ हुई कि जो प्रदेश का 2 विभाग का मंत्री हो वो बड़े ठोक के बात कर रहा हो कि 15,000 करोड़ के काम किए हैं। जरा आप खुद मीडिया वाले आप खुद चक्कर लगा लें। अगर इन गांव वालों से पूछें आप, विकास क्या हुआ, विकास मंत्री का हुआ, विकास मंत्री के परिवार का हुआ, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल नहीं, उसके बाद आप स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, रोड सड़क है ही नहीं है। अगर नहा के आदमी निकले और कोई गाड़ी निकल जाए तो अभी पड़ जाए, अभी हम लोग यहीं से आ रहे हैं, घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग आ कहाँ गए। ये मतलब झूठ बोलने वाली बात नहीं है, आप तो खुद देखें, हम नहीं बोलेंगे। कई जगह के वीडियो बनाए हमने, कई जगह के वीडियो बनाया, पानी भरा, अभी गाड़ी उसमें से निकल रही, नाले में से निकल, उतरना पड़ता है गाड़ी जब निकलती है। ये तो देश, अंग्रेज अच्छे देश से अच्छे। तो जैसे सर उनकी नल जल योजना है, लाडली बहना है और आवासीय योजना है, तो ये आपके क्षेत्र में उन्होंने कहाँ तक दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? आवास योजना इन लोगों ने मौत चीन चीन के दी है। आवास योजना गरीबों को नहीं मिली, जिनको मिलना था उनको नहीं मिला। आप यहाँ पूरा क्षेत्र बेल्ट है जो बहुत पिछड़ा बेल्ट है, इसके बाद नल जल योजना है वो भी व्यवस्था है ही नहीं। रोडों खुद के डले हैं, बुजुर्ग लोग रात में गिर जाते हैं, आज डले हैं, व्यवस्था वही नहीं है अभी। मतलब 20-25% नल जल योजना अभी मुश्किल से हुई, व्यवस्था ही नहीं है। पाइप डल रहे खेत, अभी यहाँ इस गाँव में जाना है, महिलाएं, कितना ऊँचा घाट है, हम पैदल जा रहे, भैया आप तो खाली जा रहे हैं, महिला दो दो खेप लेके पानी आ, यहीं जाना, 2 किलोमीटर चली जाना आप, निवेदन है, 1 किलोमीटर चली, आपको मालूम पड़ जाएगा सुर्खी का विकास कितना होता है। बड़ी तकलीफ, आपको तकलीफ होगी, कागजों पर सब हुआ है, कागजों पर तो सब कुछ हो गया, आपके टीवी चैनल पर दिखाएंगे, 10-20 लोग सेटिंग वाले हैं वो बोलेंगे कि ना मंत्री तो बहुत अच्छे आदमी, विकास पुरुष है। तो मतलब आपका कहना है कि भाजपा सरकार ने किताबों में अपना विकास किया है। सर आपसे ये कि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप पे भी बहुत आरोप लग रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? तो आरोप लगाना अलग बात है, आरोप को सिद्ध करना, हम कहें हमने आपने भ्रष्टाचार किया, इस मौसम तो कुछ भी बोल सकते, कागज को होना चाहिए। उनके पास कुछ मुद्दे है ही नहीं है, हम बोलते ना 10-20 लोग सेट किए हैं, पैसा का खेल चल रहा है, पैसे की दम पर मंत्री चुनाव लड़ रहा है, और कुछ नहीं बचा हुआ। वो जहाँ भगवान जिसके साथ हो, जिसके साथ गरीब हो,
जिसके साथ किसान हो, जिसके साथ बेरोजगार हो, एक रोजगार बता दे। 350 गाँव में एक सौ लोगों को उद्योग लगाया हो, लोग 20,000 लोग बाहर काम कर रहे, एक सरकारी नौकरी बता दें आप। दो विभाग के मंत्री थे आप खुद देखें ना हम कितने सही है कितने गलत है। कहने से मुँह से कुछ भी बोल सकते, हम भी बोल सकते हैं। हम बोले 70,000 से जीत रहे तो हम तो बोल देंगे हम तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या बन जाएंगे हम। ये तो जनता को फैसला करना है और वहाँ राम जी को फैसला करना। नीरज शर्मा जी का ये बयान है कि अगर वो विकास नहीं कर पाए तो वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर जैसे सरकार नहीं आती है और जनता उनको चुनाव करके विधायक बना देती है तो वो कितना विकास कर पाएंगे? जनता की ताकत के सामने, भगवान के बाद जनता की ताकत है नेता के लिए। और जनता हमारी लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए। काम तो कोई भी, पहली बात तो सरकार बनना ही है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, कहीं से कहीं तक रुकने वाली नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, किसानों की सरकार बन रही है, गरीबों की सरकार बन रही है, ये तो आप भूल जाएं बिल्कुल। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ सुर्खी का सेवक और कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये नहीं बोलेंगे 71 से जीत रहा कि 72 से, ये वो जाने। इनका आत्मविश्वास बहुत तगड़ा है क्योंकि इनको लोगों का साथ है। आई हम करते हैं बात यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी से कि उनका क्या मानना है कि उनकी कांग्रेस पार्टी ने नीरज शर्मा जी को चुना है, क्या वो इस चीज़ से खुश हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको इस चीज़ की खुशी है? कमलनाथ जी ने हम लोगों से कहा कि नीरज शर्मा जी आ रहे हैं आपके बीच में, तो आदमी का एक हाथ होता है, हमारे लिए एक हाथ और नीरज शर्मा के रूप में मिला तो हमारी ताकत बढ़ी। और गोविंद सिंह के साथ काम करने का हमारे पास 35 साल का अनुभव था, वो अनुभव हम नीरज भाई को दे रहे हैं और गारंटी हमारी है। आज लिख लो, आज स्टाम्प पे नीरज भाई विधायक बन रहे। गोविंद जी कांग्रेस में रहे हैं ये मानना है आपका कि आपका दोहरा